तो वही सीताकुंड में आग लगा है और आप लोग देखो, आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। इस शहर को ये हुआ क्या? कहीं राख है तो कहीं धुआं धुआं। Hey friends, what's up? Welcome back to another vlog. So, आज हमारे पास है एक सीरियस टॉपिक, आई मीन बहुत ही ज़्यादा सीरियस टॉपिक। 13 दिन हो गया है, हम लोगों को पता नहीं था, हम लोगों को 3 दिन हुआ पता चला कि सिमरीपाल के अंदर आग लगा है। सो वहाँ पे 21 प्लेसेस है, उसमें से 8 जगहों में आग पूरा अच्छे से फैल चुका है। तो हमें बस 2 दिन हुआ हमें पता चला कि वहाँ पे आग लगा है और बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ही जल्दी जल्दी स्प्रेड हो रहा है आग। तो अभी हम लोग जा रहे हैं लुलुंग, तो लुलुंग भी सिमरीपाल के अंदर ही आता है। तो हमें बस वही देखना है कि लुलुंग के अंदर आया है अभी तक आग या नहीं आया है। अब लोग मैं ड्रोन उड़ा के दिखाऊंगा वहाँ पे कि कहाँ कहाँ जला है, अगर विजिबल होगा प्लेसेस तो आप लोगों को दिखा दूंगा, वरना वहाँ हम जाके फिर भी अवेयरनेस टाइप एक फैला देंगे कि भाई हाँ, तो बस किस किस जगह पे आग लगाया है अभी तक आप लोगों को दिखाता हूँ कहाँ कहाँ लगा है आग। सो ये जो आग लगा है वो मतलब जो जो एरिया को ज़्यादा इफेक्ट किया है वो एक आनंदपुर है, खंडचिरा, बलिनान हिल्स, अंडर पढ़िया फॉरेस्ट रेंज के अंदर वो आता है। और ये जो आग लगा है लास्ट 26 फेब से वो लगा है, 26 फेब से मार्च 1 के अंदर वो थोड़ा ज़्यादा ही डिवास्टेटिंग हो गया था, लेकिन अभी जब पता चला ओडिशा गवर्नमेंट को तो वो समझने को आया है और अभी ओडिशा गवर्नमेंट ने भेजा है मतलब बहुत सारा फायर ब्रिगेड वगैरह जितना भी सब इक्विपमेंट्स है, मतलब क्या फायर एक्सटिंग्विश करने के लिए वो भी गए हैं। लेकिन हमें मेजर चीज़ ये है कि यही देखना है कि अपना लुलुंग के अंदर आया है या नहीं आया और कितना जगह से फैला हुआ। तो हेलो गाइस, हम ट्राई करें कुछ हेल्प करने का जितना हो सके, जितना हमसे हो पाएगा उतना करें, क्योंकि हमारे कुछ दोस्त गए हैं वो हेल्प कर रहे हैं, जा रहे हैं फॉर द बेस्ट। हमें ये चीज़ देखना है कि आग लगा क्यों है, हम थोड़ा वहाँ जाएंगे, थोड़ा रिसर्च करेंगे ज़्यादा नहीं, और किस लिए लगा है वहाँ आग, और ट्राई करेंगे कि कितना प्लेस में लगा है वो थोड़ा दिखाने के लिए, क्योंकि ड्रोन जाएगा ऊपर। सो वो पहले बार कोई दिखा रहा है, क्योंकि अभी तक कोई न्यूज़ में वो दिखाया नहीं है, वो ट्राई कर रहे हैं, लेट्स सी क्या होता है। मुझे अभी थोड़ा थोड़ा स्मोक दिख रहा है उधर, मतलब इस तरफ भी आग लगा है आप लोग। तो मैं ट्राई करूँगा आप लोगों को दिखाने के लिए पूरा ड्रोन फुटेज से, भाई बहुत बुरा लग रहा है। ये देखो पूरा यहाँ पूरा धुआं ही धुआं दिख रहा है, मतलब इस तरफ भी आ गया है। तो वी विल ट्राई टू गेट एंटर, लेट्स सी इफ दे आर अलाउइंग अस नॉट। तो यहाँ से अभी दिख रहा है पूरा आग लगा है, मतलब अभी यहाँ से पूरा धुआं उड़ रहा है, तो हमें पता नहीं कि वो सीताकुंड की तरफ लगा है या लुलुंग की तरफ। तो हम जा रहे हैं लुलुंग की तरफ, तो देखते हैं वहाँ पहुँच के ही पता चलेगा। जैसे ये कुछ बना है इधर, हाँ यहाँ भी कुछ बन रहा है। Thank you.
ना ना सीताकुंड धुआं देखा जाऊ सीताकुंड बटन देना पड़ो कि दूर लगी भितर सही ये पकड़े कि सही कॉटेज पकड़े इधर हम पूछ रहे थे कि किधर आग लगा है, बट ये लोग बोल रहे हैं कि बिल्डिंग तो उधर हमें कुछ लोग मिले थे और उन लोगों को हमने पूछा कि भाई आग कहाँ लगा है, तो वो लोग बोले कि भाई इधर भी नीचे लगा था, तो सुबह लगा था तो अभी बुझ गया है। और मतलब इवनिंग टाइम में पता चलता है कि कहाँ लगा है और कहाँ नहीं, असल रेड कितना होगा, इसलिए हम अभी ट्राई कर रहे हैं कि देखने के लिए कि कहाँ लगा है। अगर लुलुंग में लगा होगा आग तो एवर तो करना पड़ेगा भाई बारी पता में सब लोगों को, क्योंकि पता नहीं है उन लोगों को अभी तक कि कहाँ आग लगा है कहाँ नहीं, एग्जैक्ट लोकेशन उन लोगों को पता नहीं है, तो अभी जाने के बाद ही पता चलेगा। अभी हम जो आयरन निवास पहुँचने वाले हैं, यहाँ से तो कुछ लग भी नहीं रहा है कि यहाँ कुछ आग लगा है या नहीं, वहाँ से धुआं आ रहा था लेकिन वो से सीताकुंड की तरफ ही लगा था वो पहाड़ी में, तो देखते हैं यहाँ से ट्राई करेंगे उड़ाने के लिए ड्रोन कितना ऊपर जा सकता है, तो देखेंगे अगर कहीं आग लगा हो तो भाई लगता है भाई गलत सीन ना हो जाए भाई उड़ीसा का, वैसे ही बहुत कुछ गंदा सीन चल रहा है रिसेंटली। तो ये है अपना आयरन निवास ये वाला, तो अभी हम गेट तो पहुंच गए लुलुंग का गेट, यहाँ से अभी देखते हैं पता चलता है या नहीं ड्रोन उड़ाने के बाद। लेट्स सी तो आप लोगों को पता होगा कि अपना जो सिमलीपाल जंगल है उधर अपना आग लग गया है, कैसे आग लगा है ये अभी तक किसी को पता नहीं चला। कुछ लोग बोल रहे हैं कि गर्मी की वजह से लगा है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई जो लकड़ी काटते हैं उसी लिए लगाए हैं, तो वो लोग लगाए नहीं होंगे मुझे लगता है। तो अभी हम पहुँच गए हैं लुलुंग, क्योंकि सिमलीपाल के अंदर तो बाइक अलाउ नहीं करते, और सडनली जब हमको पता चला कि यह सब सीन है तो फटाफट हम लोग निकले घर से अरेंज किए अपने भी डिस्ट्रिक्ट पे आने के लिए। अपना ये जेपी भाई आया है, गोपाल आया है और अपना सानू आया है, टोटल हम चार लोग आए हैं देखने के लिए। तो अभी लुलुंग में हम सोच रहे थे कि ड्रोन उड़ाएंगे और आप लोगों को दिखाएंगे कहाँ आग लगाए, पर वहाँ धुआं आप लोगों को दिखा होगा, मैंने दिखाया था, बट यहाँ देखिए धुआं वगैरह कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो हम लोग अभी जाएंगे बड़े पानी के लाइन में, तो कुछ लोग बोले कि वहाँ आग दिख रहा है वो गेट के पास, तो देखते हैं वहाँ से दिखाई देता है या नहीं, वहीं पे ड्रोन उड़ाएंगे यहाँ पे ड्रोन। तो यहाँ से अभी हमें लेफ्ट लेके जाना है, केवल अपना बड़े पानी रूट है, तो लेट्स सी कहाँ तक लगाए। आप लोगों को दिखाएंगे भाई जो भी हो जाए, हाथी निकले शेर निकले जो भी हो जाए, क्योंकि भाई अभी तो बारीकोटा में अगला किसी को भी पता नहीं है कि किस एग्जैक्टली कहाँ लगा है। न्यूज़ वाले तो दिखा रहे हैं उस तरफ लगा है, अगर किसी इस तरफ मतलब तो कोई कवर ही नहीं करने आया है अभी तक सोचो, तो भाई गवर्नमेंट अभी क्या दिखा रहा है, मतलब न्यूज़ वाले भी यही दिखा रहे हैं कि भाई ह्यूमन लोग मतलब ह्यूमन केसेस के ऊपर अभी अफेक्टेड हुआ है, ये हुआ है वो हुआ है, बट कोई ये नहीं दिखा रहा है कि अपने एनिमल्स जितने सब रेयर स्पीसीज है अपने मयूरभंज के अंदर और सबसे यूनिक वाले भी हैं उनका क्या हुआ है क्या नहीं, भाई ये तो कवर करो। तो अगर कुछ हुआ है तो भाई प्रिकॉशन वगैरह लो ना भाई, ये सब चीज़ें भी तो चाहिए। देखते हैं यहाँ से भी एंटर करने देते हैं या नहीं, मौसा जाइए वो हाँ। तो इधर हम सोच रहे थे कि यहाँ ड्रोन उड़ाए लेकिन यहाँ ऐसा पॉइंट नहीं मिला, मतलब ये जो पॉइंट है आप लोगों को ये गेट दिख रहा होगा, यहाँ से हमें अंदर जाने ही नहीं थे, और ऊपर अपना देखो कैमरा भी लगा है, तो बोले भाई उनका जॉब वगैरह वो सब थोड़ा देखना पड़ता है समझ जाओ, इसलिए हम यहाँ रिकॉर्ड नहीं किए। तभी हम जाएंगे मेन गेट के पास, तो यहाँ ऐसा बोले कि मेन गेट जो है अपना लुलुंग का मेन एंटर गेट जहाँ पर दर्शन वगैरह सब लेते हैं, तो वहाँ से भी हम ला के दिखा सकते हैं, क्योंकि रात को पूरा अच्छे से दिखता है आग यहाँ पे, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, फिर भी देखेंगे।
तो अभी चल रहा फॉग है ना, तो इसलिए वो लोग भी मना किए कि भाई अभी अगर आप उड़ा भी लो छुपा के कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो लेट्स सी, उनका भी कुछ पॉलिसीज है भाई, कोई फॉलो करना पड़ता है। कोई नहीं, कुछ देर वेट कर लेंगे हम लोग बाहर, वहाँ से आप लोगों को उड़ा के दिखाते हैं अगर हुआ है भाई, नहीं तो भाई छोड़ो। तो भाई रिटर्न तो हम लोग आ गए, अभी यहाँ से देखते हैं कैमरा वैमरा छीन के लेते हैं या नहीं, क्योंकि कैमरा में उन लोगों को पता चल जाता है कि भाई हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे थे। लेट्स सी क्या करते हैं ये लोग, अभी यहीं से ड्रोन उड़ाएंगे हम लोग। चाय वगैरह दुकान देखते हैं, तो सीने नहीं। মানে এটা আগ্রহ বি লগা হয় বাকি এনে মন লোক জানি না এবে এটা স্প্রেড হলো নিউজ রে কি নিয়া লাগু জি বলি জঙ্গল রে না নিয়া তো না গাই এবে কমি রে কি আ এবে ও কি একটা এক কথা কইলা পরে ভ্যাট কা কমেন্ট জানতি মানে আগ্রহ যেগুলা করতে না পুরা হু হু করতে মানে এগা রই হইতো না সদা ভাইলা মানে নদী যদি তুমি যাইতে পাউজন কি সঙ্গে আলো বি কি সে মোলহর কা পাই মানে কিছু পয়সা হয় মানে জঙ্গল বরবাদ করছেন মানে মানে যেটা অটকাউচি আঙ্কর জিনিস অটকাউন সে নিয়া লাগবে সেটা কেতে দৌড়ছেন দৌড়ুন কেতে রকিছেন লোক রকম কেতে নিভে নিভন্তু এই টাইপর করছেন এমানে এই লোকাল লোক মানে গভর্নমেন্ট পার তরফ তাঙ্কু সেমতি ইয়েটা মেলুনি না সে টেনশনটা সেমান যেটা পাউনান্তি সেই পাই হ্যাঁ কিছু ইয়া হুনি সে নগাউছেন যে কি জঙ্গল ভিতর নগাউছেন যে কি জবরদস্তি করছেন যে জবরদস্তি নগে রাত্রে যাবে নগাই দেবে পত্র লিটার ফেলাইলে গোটে জায়গা নগাই দিলে মানে দুনিয়া মাতি গলা এটা কি করব আর এমন দাই কেতে নেবে সেই যে গোটে ইয়া ফোন রাখি বাট নিউজ ওয়ালা দেখাউছি কি গরম পাই লাগুছি বাকি নিউজ ওয়ালা ইনা পর্যন্ত বিপদে জানি নি কি কাহাকু পচারি নি বোধে কি এমন নিজে লোকাল লোক কাই লগাউছেন্তি লোক নগাউছেন্তি মানে সেটা এমন নিউজ রে কোয়া বি হেনি না লোক নগে দে লোক কিন্তু ইয়া কি আঙ্ক আমার প্রজেক্ট এন্ট্রি পাই জঙ্গল বিভাগ ফরেস্ট ওয়ালা পাই আঙ্ক এন্ট্রি রে কি নগাউছেন্তি মানে হইরাণ হচ্ছে এটা করছে। तो मतलब गवर्नमेंट जितना मतलब परेशान हो इसीलिए जान बूझ के लगा रहे हैं यार, तो भी समझ रहे हो यहाँ के लोकल लोग कैसे हैं भाई। छी ऐसे हैं मम्मी भाई से तो अपने अंकल भी बोल रहे हैं कि भाई कैसा ही सीन है नालपानी तुम्हारे लक्ष्मी देख रहे हो गाइस, ये वाला स्टोरी अभी तक किसी को पता नहीं था। तो भाई जितना हो सके उतना शेयर करो, मैं इस वीडियो में आप लोगों को नहीं बोलूँगा कि भाई तो लाइक कमेंट शेयर नहीं करना है, डिसलाइक मारो भाई, अनसब्सक्राइब करो, जो करना है करो, बट भाई वीडियो को देखो और स्प्रेड करो, जितना चाहे उतना स्प्रेड करो कि लोग जाने भाई असल में हो क्या रहा है। आप लोग सिर्फ गवर्नमेंट को कितना ब्लेम करोगे, कर करके हो गया ना भाई, देख रहे हो क्या हो रहा है, खुद लोग मतलब आप ही लोग कर रहे हो, आप लोगों की वजह से ही भाई ये सब हो रहा है। तो इधर अभी मौसा जी बोले कि भाई यहाँ के जो लोकल लोग हैं वही यहाँ आग लगाते हैं, तो वो जिससे अपना अल्कोहल बनता है मोटो जो बोलते हैं उड़िया में, उसी के लिए आग लगा रहे हैं भाई, जितने फॉरेस्टर वगैरह सब जा रहे हैं, लेकिन अभी तो कंट्रोल में है अभी फायर। वो बोले कि कल रात को भाई इतना आग लगा था यहाँ, मतलब अभी तक बारीपदा में कोई नहीं बोला है कि भाई सीताकुंड में भी आग लगाए, तो मतलब सीताकुंड में भी आग लगाए, मतलब इस तरफ पूरा भाई डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो फिर सोचो इसमें किसकी गलती है, अपने गवर्नमेंट की गलती है या फिर लोकल लोग। अगर भाई आप लोग वीडियो देख रहे हो ना भाई, क्या मिलता है भाई, क्या समझ में नहीं आता कि आग लगा क्या फ़ायदा क्या है, वैसे ग्लोबल वार्मिंग वैसे भी इतना सारा हो रहा है, तो आप लोग अच्छा लग रहा है भाई सेम। तो भाई सीताकुंड में आग लगा है और आप लोग देखो, आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, चलो भाई जल्दी। और भाई बहुत ज़ोर से आग लगा है सीताकुंड में भाई, जल्दी से जल्दी स्प्रेड करना है इसको। ये देखो आग, देखना है आप लोगों को, ये देखो कैसे लगाए हैं आग, और ये आग मैन, ये देखो वहाँ पहाड़ी के ऊपर आप लोगों को वहाँ दिख रहा होगा, सेम ऑन होगा जी यार। ये देखो कैसे लगाए हैं आग, देख रहे हो, मतलब आग लगा नहीं है गर्मी की वजह से, आग लगाया गया है। लेफ्ट लेफ्ट
ये देखो एट एट उड़ वाइट एट एट। तो यहाँ से अभी ड्रोन ऊपर उठेगा और आप लोगों को दिखाता हूँ। भाई देखो वहाँ देखो भाई पूरा पीक पे लगा है आग। तो सोचो भाई। So guys, what the hell is happening in our country and what the fuck is happening to the people over here? और आप लोगों को एम्बुलेंस का साउंड शायद आ रहा होगा क्योंकि एम्बुलेंस भी गया है। भाई जानवर को तो मार रहे हो भाई, इंसान को भी मार रहे हो, और यहाँ से बारीपता ज़्यादा दूर नहीं है ये भी जान लो भाई। तो जितना चाहे उतना स्प्रेड करो इसको, नहीं तो बारीपता बहुत जल्दी पहुँचने वाला है यार। तो फाइनली ड्रोन को भी भेज रहे हैं, आप लोग देखो। तो गाइस आप लोगों ने देखा कि कैसा सीन है। अब यहाँ देखो पूरा पास में, हमारे पास में लाइक कितना है 100 meters भी नहीं, 50 meters के अंदर ये देखो आग लगा हुआ है इधर। ये देखो मैं पास में जाके आप लोगों को दिखाता हूँ ये क्या कर रहे हैं इधर। ये देखो पूरा स्प्रेड हो के आ रहा है अभी। ये देखो देख रहे हो, क्या बोलूँ भाई मैं। और तो आप लोगों ने अगर ड्रोन फुटेज देख लिया होगा तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि क्या सीन है अभी और क्या क्या कर रहे हैं भाई। आई डोंट नो क्यों ये सब लोकल पीपल्स ही कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब पूरा पीक में पहुँच के ये आग लगाए हैं, और आग लगाने की वजह से जितने भी सब जानवर वगैरह हैं वो सब डर के नीचे आ रहे हैं। जब नीचे आ रहे हैं जानवर उनको मार रहे हैं और मार के खा रहे हैं भाई। तो मेरे हिसाब से भाई गवर्नमेंट तो बहुत कुछ कर रहा है भाई, बहुत ही कुछ कर रहा है मेरे हिसाब से। गवर्नमेंट तो सब कुछ कर रहा है पर लोकल पीपल्स ऐसा क्यों कर रहे हैं आई डोंट नो। सो प्लीज़ मुझे बताइए भाई, आप कमेंट सेक्शन में जितना चाहे उतना लिखिए और ये वीडियो को जितना चाहे उतना स्प्रेड करिए क्योंकि यहाँ से हाय। सो गाइस और लास्ट बार जो भी देख रहे हो अगर इधर कहीं मतलब कोई भी इंसान इधर रहने वाला देख रहा है, सो गाइस प्लीज़ ये सब मत करिए और ये स्प्रेड मत करिए क्योंकि एनवायरनमेंट नीड अस एंड वी नीड एनवायरनमेंट। तो फाइनली आप लोगों ने देख लिया सब कुछ कैसा आग लगा है कैसा नहीं। तो बारीकुड़ा में पहुंचने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं है, तो जितना जल्दी हो सके भाई उतना फिगर वगैरह लो और बताओ सबको, अवेयर करो इस चीज़ के लिए भाई। तो बस इस वीडियो को मैं नहीं बोलूँगा कि लाइक करो कमेंट करो शेयर करो, बस इतना बोलूँगा कि भाई आपके ओपिनियंस दो कमेंट सेक्शन में और भाई सोचो क्या करना चाहिए आपको और गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। मेरे हिसाब से गवर्नमेंट तो सब कुछ कर रहा है लेकिन ये लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं हम लोगों को पता नहीं है। देखते हैं क्या होता है और कितना दूर तक ही जाता है वीडियो। सो गाइस ये चीज़ आप लोग देख लो इधर ऐसे आग लगा है भाई। देखो मैं पूरा पास भी नहीं जा पा रहा हूँ, तो सोचो यहाँ के जानवरों का क्या हालत होगा। देख रहे हो पूरा, ये देखो सीन पूरा धीरे धीरे नीचे आ रहा है, बारीपता भी पहुँच जाएगा बहुत जल्दी भाई। जल्दी से अगर एक्शन नहीं लिया जाता तो ये सब होगा। देखो जितना ज़ोर से हवा दे रहा है ये पूरा पहुँच जाएगा बारीपता। तो गाइस प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि भाई जितना जल्दी हो सके इस वीडियो को फैलाओ और देखो क्या हो रहा है अपना इंडिया का।